धर्म परिनिष्ठयो जन्म लाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। देव दुर्लभ मानव शरीर परम कृपालु सर्वशक्तिमान जगतपति श्री नारायण की निर्हेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, जन्म मरण निवृत्ति पूर्वक भगवत प्राप्ति। जन्म मरण छूट जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, यह तभी संभव है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन ही अपने को मोक्ष में ले जाने का कारण बन जाता है और वही अपना मन बंधन में डालने वाला बन जाता है। तो अंतिम समय में यदि भगवान का स्मरण करता करता शरीर छूटेगा तो जन्म निवृत्ति पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंत समय में प्रयास करके कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमारे जीवन का अभ्यास होगा वही अंत में हमें स्मरण आएगा। इसलिए मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल एक साधना करनी पड़ेगी, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और कर्म भी करो। स्मरण मुख्य बात हो गई और कर्म करना गौड़ बात हो गई। तो जीवन के हर कर्म, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, एक प्रयास मनुष्य यदि करे कि हमारा सुमिरन निरंतर चलता रहे, तो सुमिरन करते करते जो कर्म करेगा मन चूंकि सुमिरन में लगा रहेगा, तो मृत्यु के समय में मन अपने आप स्मरण प्रभु का करेगा। क्योंकि मृत्यु के समय में प्रयास करके कुछ भी नहीं किया जा सकता तो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो एक वाक्य यदि याद रख लें, अन्ते नारायण स्मृति ही, हमें ऐसा जीवन बिताना है, ऐसी वाणी बोलना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा चिंतन करना है कि संसार अथवा आध्यात्मिक कर्म करते समय हमें भी भगवान की याद बनी रहे और हमारे संपर्क में जो आवे उसे भी भगवान की याद बनी रहे। यही भक्ति है, यही आत्मकल्याण का साधन है। मनुष्य यदि छोटी सी बात अपने जीवन में उतार ले तो मानव जीवन सफल हो जाएगा, यही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।